बिग बॉस शुरू होते ही अब लोगों ने अपनी अपनी साइड्स लेना शुरू कर दिया है। कोई इसे सपोर्ट कर रहा है तो कोई उसे सपोर्ट कर रहा है। हर किसी को कहीं ना कहीं, ऑलमोस्ट हर किसी को सपोर्टर मिल चुका है। और जो पीपल, जो कंटेस्टेंट्स अभी फिलहाल घर के अंदर है, उनमें से कुछ ऐसे हैं जिनकी फैन फॉलोइंग पहले से थी और अब वो कहीं ना कहीं सुपर एक्टिव हो रही है, उनके बारे में चर्चाएँ बढ़ती हुई नजर आ रही है। जिनमें एक है बिग बॉस मराठी का विनर यानी शिव ठाकरे, जो हमें इस घर के अंदर, बिग बॉस 16 के अंदर देखने मिल रहा है। वेल, जब से ये घर के अंदर आए हैं, हर एक दिन वो ट्रेंड करते हुए नजर आ रहे हैं और आज के दिन भी फिलहाल वो, अगर हम ट्विटर पे देखें तो ट्रेंड कर रहे हैं। शिव ठाकरे का ट्रेंड जो है वो चलता हुआ नजर आ रहा है और उनके बारे में ढेर सारी बातें की जा रही है। काफ़ी लोगों को उनका जेन्यूननेस, स्पेशली उनका बॉन्ड विद अब्दू काफ़ी पसंद आ रहा है। तो चलिए लेट मी टेल यू लोगों की क्या चर्चा है और शिव ठाकरे के ऊपर क्या रिएक्शंस आ रहे हैं, उनके पर्सनालिटी पर, उनके नेचर पर, जो इनिशियल डेज का लोगों का एक रिएक्शन है वो क्या रहा है। अब देख रहे हैं फीफा फूज, मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त वेदांगी कर्णिक। बता दें कि एक पिक्चर किसी ने शेयर किया और कहते हैं, दीज आर द ओनली वंस हु आई फाइंड वेरी वेरी अडोरेबल एंड जेन्युइन रियल राइट नाउ। आई रियली एब्सोल्युटली लव दिस ग्रुप। जहाँ पे, यहाँ पे उन्होंने ये जो फोटो डाला है, आई डोंट नो आप देख पा रहे हो कि नहीं, बट यहाँ पे शिव है, अब्दू है, देर इज़ प्रियंका एंड देर इज़ अंकित। सो इन चारों के बारे में बात कर रहे हैं। हैशटैग शिव ठाकरे का इस्तेमाल किया गया यहाँ पे। तो कोई कह रहा है, द वे अब्दू वॉज विथ एंड कंसोल्ड शिव ठाकरे आफ्टर हिज फाइट, एब्सोल्युटली लव द बॉन्ड। कल के एपिसोड में कहीं ना कहीं जो एक थोड़ा सा फाइट टाइप हुआ था, शिव इमोशनल भी हुए थे और अब्दू जो है वहाँ पे उनके पास जाते हैं, कंसोल करते हैं, उनसे बात करते हैं, उन्हें थोड़ा अच्छा फील कराने की कोशिश करते हैं। सो वो वाला मोमेंट फैन को एक बहुत ज़्यादा पसंद आया है। साथ ही साथ कोई कह रहा है, मुझे काफ़ी बुरा लग रहा है जिस तरीके से लड़कियाँ चार्ज ऑन कर रही है शिव ठाकरे पर एंड वुमेन कार्ड खेल रही है, दिस इज़ डिसगस्टिंग। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं परसों के एपिसोड में निमृत ने उनके ऊपर गुस्सा किया था, भड़क गई थी। कल के एपिसोड में हमने सौंदर्या को सेम चीज़ करते हुए देखा, तो यहाँ पे उनकी बात हो रही है। तो कोई कह रहा है, आई एब्सोल्युटली हेटेड कि सौंदर्या ने जिस तरीके से उसे डीमीन किया और गंदा बोला, दैट वॉज नॉट नेसेसरी, अननेसेसरी ड्रामा था, कोई जरूरत नहीं थी ये कहने की। तो कोई कह रहा है, घर के अंदर शिव, हमें आपने बिलीव करके दिखाया कि आप क्यों बिग बॉस मराठी के विनर हो, आपको और ढेर सारा प्यार। तो कोई कह रहा है, अननेसेसरी ड्रामा हो रहा है, शिव ने कुछ भी बुरा नहीं खेला, सो सौंदर्या स्टॉप प्लेइंग वुमेन कार्ड एंड स्टॉप क्राइंग अबाउट ऑल स्मॉल थिंग्स। तो कोई कह रहा है, इट्स ऑल अबाउट दिस ट्रायो, शिव, टीना एंड अब्दू, बाकी के सारे कंटेस्टेंट स्टिल सेटल कर रहे हैं और ये तीनों अपने ही मस्ती में है। सो कहीं ना कहीं फैंस को ये बॉन्डिंग भी काफ़ी पसंद आ रही है। जैसे मैं आपको बार बार बता रही हूँ, ये ट्रायो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है तीनों का। इनफैक्ट डियो भी पसंद आ रही है, आ रहा है अब्दू और शिव का। तो कोई कह रहा है, मैंने अभी जस्ट आज का एपिसोड देखा, शिव एंड अब्दू पूरा शो रन कर रहे हैं। कम ऑन शिव, जो फेक फेमिनिस्ट है उनको गिव बैक करो, यानी चुप मत रहो, उन्हें जवाब दिया करो, ऐसा कहते हुए अब्दू और शिव का फोटो शेयर करते हुए फैन नजर आए। बस इसके ऊपर आपकी क्या है राय, आप क्या कुछ कहना चाहोगे, शिव ठाकरे एज अ कंटेस्टेंट आपको आखिर लग कैसे रहे हैं, लेट मी नो दैट इन द कमेंट सेक्शन। आई विल सी यू सून।